पिछले साल के बच्चे कुछ पतंगों और डोर को लेके हम छत पे पतंग उड़ाने पहुंच गए। सबसे पहले पतंग में उंगलियों से छेद करके और दो हाथ मांझा लेकर अच्छे से गांठ लगाई और ये मजबूत कनिया बांधने के बाद लो हमारी पतंग उड़ने को एकदम तैयार है। हवा इतनी बढ़िया थी कि किशन ने एक झटके में पतंग सर से उड़ा दी, लेकिन तभी एक दूसरी पतंग ने पेचे डालकर हमारी टाइटें फिक्स कर दी। तो हमने जल्दी से हमारी 1.5 लाख वाली मशीन से डोर को समेटा, फिर हमने अपने खजाने से दूसरी पतंग निकाली, लेकिन ये लप्पू सी पतंग हवा में गोल गोल गोते मारने लगी और आखिरकार बीच में से डोर टूटने पर ये पतंग हाथों निकल गई। तो फिर हमने चुनी सबसे बेस्ट पतंग। वैसे तो हमारा डोर रेदे लग लग के एकदम कच्चा पड़ गया था, लेकिन जब हमारे एक पतंग से पेचे भिड़े तो हमने फुल ढील छोड़ दी और काफी खींचातानी के बाद राहुल ने एक पतंग को वाई कटेक कर ही दिया। जोश जोश में हमने इतनी ढील दी कि ये पतंग आसमान से बातें करने लगी और हवा भी इतनी बढ़िया थी कि अब तो छोटू दादा भी बिना डोर को हाथ लगाए पतंग उड़ाने लगे। लेकिन तभी विष्णु ने डोर कमान संभाली और अपने साथ पतंग को भी ले डूबा। तो जल्दी से अपनी 5 लाख की मशीन से डोरिया बिस्तर समेट कर हमने अपनी दुकानदारी उठा ली। तो दोस्तों आप कब से पतंग उड़ाना चालू करते हो?